शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने शिक्षा के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, जो आज भी मैं समझता हूं हमारी आज की समिट का गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता है। हम ऐसी सर्वसंपन्न शिक्षा चाहिए, विवेकानंद जी ने कहा था, हमें ऐसी सर्वसंपन्न शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके। शिक्षा सिर्फ उस जानकारी का नाम नहीं है जो आपके मस्तिष्क में भर दी गई है, हमें तो भावों या विचारों को इस प्रकार आत्मसात करना चाहिए जिससे जीवन निर्माण हो, मानवता का प्रसार हो और चरित्र गठन हो। ये विवेकानंद जी की बात। और अगर आज मैं रिसर्जेंस की बात करूं तो मैं नहीं मानता हूं इसके बाहर कोई ज्यादा, लेकिन फिर भी जब समय बदलता है तो कुछ चीजें जुड़ भी जाती हैं, लेकिन उसी मूल विचार के प्रकाश में ही जुड़ती है। और ये इन तीन तत्व आज के शिक्षा के तीन, जीवन निर्माण, मानवता और चरित्र गठन। स्वामी जी के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के मैं आज इसमें एक और स्तंभ जोड़ने का साहस कर रहा हूं, और वो है, क्योंकि समय की मांग है, और वो है नवोन्मेष, इनोवेशन। जब इनोवेशन अटक जाता है तो जिंदगी ठहर जाती है। कोई युग, कोई काल, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती है कि जो इनोवेशन के बिना चल सकती है। जीवंतता का भी अगर एक महत्वपूर्ण लक्षण है तो वो इनोवेशन है, और अगर इनोवेशन नहीं है तो जिंदगी को ढोना होता है। व्यवस्थाएं, विचार, जिंदगी, परंपराएं, ये सब बोझ बन जाती है। अगर हम इन चारों पहलुओं को लेकर अपनी उच्च शिक्षा के पुनरुत्थान के बारे में सोचेंगे तो हमें एक सही दिशा दिखाई देती है। शिक्षा की ऐसी दिशा जो व्यक्ति के जीवन से लेकर के समाज की जरूरत और राष्ट्र के निर्माण तक में काम आए। इतना ही नहीं, शिक्षा की इस दिशा को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी कालखंड में अलग तरीके समझाया था। तभी तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी लक्ष्य के साथ होता है, और उस लक्ष्य को पाने में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भी कहूंगा कि जैसे व्यक्ति के जीवन में है, हर संस्था का जन्म भी किसी न किसी निर्धारित लक्ष्य के साथ होना चाहिए, और फिर इसके लिए साधन और साध्य में एक सूत्रता भी होनी चाहिए। साथियों, जब बात विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी की हो रही हो तो मैं आपका ध्यान
अपने देश की पुरातन गौरवशाली परंपरा की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ वेद है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि वेद संस्कृत भाषा के वित शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान ग्रंथ है। इसी वित से विद्या शब्द विकसित हुआ है, यानी ज्ञान के बिना हमारे समाज, हमारे देश और तो और हमारे जीवन के आधार की भी कल्पना कतई नहीं की जा सकती है। साथियों, ज्ञान और शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं हो सकते। शिक्षा का मकसद व्यक्ति के हर आयाम को संतुलित विकास करने का हो, और आप सभी जानते हैं कि संतुलित विकास, इसके लिए निरंतर इनोवेशन अनिवार्य होता है। हमारे प्राचीन तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान के साथ इनोवेशन पर भी जोर दिया जाता था। तभी तो ऐसे विद्या के मंदिरों से आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, पाणिनि, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, अनगिनत विद्वान उससे निकले थे। अगर इन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान और पर्याप्त मान लिया होता तो क्या दुनिया को राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान, शल्य चिकित्सा, गणित और व्याकरण के नियम मिल पाते क्या? मैं नहीं मानता हूं शायद मिलते। और इसलिए जब एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस की बात होती है तो सोच में, विचारों में नवीनता के बिना काम नहीं चल सकता। भाई और बहनों, शिक्षा और शिक्षा में किताबी ज्ञान को लेकर हमारे देश के आधुनिक इतिहास के तीन महापुरुषों के विचार एक जैसे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने शिक्षा में चरित्र और समाज हित का प्रतिबिंब देखा था। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, चरित्रहीन व विनयहीन, मैंने दो बात कही थी, चरित्रहीन व विनयहीन सुशिक्षित व्यक्ति पशु से अधिक खतरनाक होता है। यदि सुशिक्षित व्यक्ति की शिक्षा गरीब जनता के हित विरोधी होगी तो वो व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। शिक्षा से अधिक महत्व चरित्र का है, ये शब्द डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के हैं। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी शिक्षा को सामाजिक दायित्वों को जोड़कर कहा था कि समाज को, हर व्यक्ति को ढंग से शिक्षित करना होगा, तभी वह समाज के प्रति दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होगा। यहां उन्होंने शिक्षा संस्थान तक सीमित नहीं रखा विचार, समाज ने ही समाज को शिक्षित करना, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कार संक्रमण करती है, उस विचार को आधुनिक स्वरूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था। देश के मनीषी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि शिक्षा शोध परक
रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप ऐसा हो जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके। हम उस समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक सर्कल यानी व्यक्ति, दूसरा सर्कल यानी परिवार, तीसरा सर्कल यानी समाज, चौथा सर्कल यानी राज्य, पांचवा सर्कल यानी देश, ये कल्पना हम नहीं कर सकते। हम तो व्यक्ति से चलते 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 परिवार, परिवार से चलते चलते एक ही धारा में, एक ही सूत्र में विस्तार होता चले, ये कल्पना लेकर के हम चलने वाले लोग हैं। हम ऐसे सर्कल की कल्पना नहीं कर सकते कि एक सर्कल दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों सर्कल अलग है, तो शायद समाज का वैचारिक विकास, विस्तार और संस्कार की प्रवृत्ति असंभव होती है। देश के इन तीन महान चिंतकों के विचारों से भी स्पष्ट है कि शिक्षा का अगर कोई लक्ष्य न हो तो वह खूंटी पर टंगे हुए सर्टिफिकेट से ज्यादा और कुछ नहीं होता है। साथियों, हमें एक और वास्तविकता की ओर स्वीकार करना होगा कि आज दुनिया में कोई भी देश, समाज या व्यक्ति एकाकी, आइसोलेट होकर के नहीं रह सकता। हमें ग्लोबल सिटीजन और ग्लोबल विलेज के दर्शन पर सोचना ही होगा, और ये दर्शन तो हमारे संस्कारों में प्राचीन काल से मौजूद है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं तो हमारे दर्शन का हिस्सा यही विश्व परिवार, ग्लोबल विलेज का होता है। इसी विजन पर चलते हुए आज सरकार शिक्षा को लक्ष्य देने, उसे समाज से जोड़ने और शिक्षा की समस्याओं का हल ढूंढने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, इनोवेशन भी कर रही है। साथियों, आज हमारे देश में करीब करीब 900 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान है। साथ ही देश में लगभग 40,000 कॉलेज है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी शक्ति की बात हमारा जिम्मे है, हमारे जिम्मे है। यदि हम अपने गांवों और शहरों की समस्याओं को, चुनौतियों से निपटने में इन शिक्षा संस्थानों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग लें तो स्थितियां कितनी भिन्न हो जाएगी। और मेरे कहने का मतलब है कि हम इंटरलिंक इंस्टीट्यूशंस टू इनोवेट एंड इंक्यूबेट के दर्शन पर काम करें। एक ऐसी इंटरलिंकिंग जो समाज और संस्थान को जोड़े और संस्थानों को भी आपस में जोड़े और सब मिलाकर के राष्ट्र के सपनों के साथ जुड़े। कल्पना कीजिए कि 20-22 वर्ष का छात्र अपनी डिग्री के लिए पढ़ाई करते समय जब समाज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करेगा तो कितना फर्क पड़ सकता है। जो वो अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए सोच भी रखेगा कि इसका इस्तेमाल समाज के काम आएगा तो परिणाम निश्चित ही बहुत ही सकारात्मक होंगे। साथियों, उच्च शिक्षा में हमें उच्च विचार
उच्च आचार, उच्च संस्कार और उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का उच्च समाधान भी उपलब्ध कराती है। मेरा आग्रह है कि विद्यार्थियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में तो ज्ञान दे ही, लेकिन उन्हें देश की आशा आकांक्षाओं के साथ भी जोड़ना होगा। इसी मार्ग पर चलते हुए केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि हम हर स्तर पर देश की आवश्यकताओं में शिक्षण संस्थानों को भागीदार बनाएं। इसी विजन के साथ हमने, जैसा अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने उल्लेख किया, अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की है। इसमें स्कूली बच्चों में इनोवेशंस की प्रवृत्ति बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। अब तक देश के 2000 से ज्यादा स्कूलों में ऐसी अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में हम इसकी संख्या को बढ़ाकर 5000 तक करने जा रहे हैं। और मैंने बीच में एक बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, देश भर के अलग अलग कोने में अटल टिंकरिंग लैब में काम करने वाले बच्चों के साथ बातचीत की थी। 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के बच्चे थे। यानी मुझे उस कार्यक्रम को छोड़ने का मन नहीं करता था। मेरे उस कार्यक्रम के बाद ढेर सारे कार्यक्रमों की पूंछ लगी हुई थी, लेकिन मैं उन बच्चों को सुनना, वो एक एक प्रयोग दिखाते थे कि हमने लैब में ऐसा किया, हमने लैब में ऐसा किया, यानी मैं चकित हो जा रहा था जी। यानी हमारे बच्चों में कितना पोटेंशियल है, उनको थोड़ा सा अवसर दिया जाए, उनके भीतर की शक्तियों को उभरने दिया जाए, कल्पना बाहर का परिणाम देते हैं, थोपा न जाए, समस्या वहीं पैदा होती है। हमारी सरकार शिक्षा जगत में निवेश पर भी ध्यान दे रही है। जैसे शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए राइस RISE यानी रिवाइटलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, इस कार्यक्रम को हमने व्यापक रूप से शुरू किया है। इसके जरिए 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने का हमारा इरादा है। सरकार ने हेफा यानी हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी की स्थापना भी की है, जो उच्च शिक्षा संस्थाओं के गठन में आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का बजट भी 3 गुना बढ़ाने का निर्णय किया है। अभी प्रकाश जी आंकड़े दे रहे थे, लेकिन मुझे और आगे जाना है। ये राज्यों में उच्च शिक्षा को मजबूत करने में प्रभावी कदम साबित होंगे। भाई और बहनों, पिछले 4 सालों में देश में बहुत सारे नए IIT, नए IIM, नए IISER और नए IIIT, नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत किए गए। सरकार एक नीति भी लाई है जिसके अंतर्गत देश में 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस सेटअप करने की कोशिश की जा रही है। इसमें 10 पब्लिक सेक्टर के और 10 प्राइवेट सेक्टर के होंगे। इस नीति का मकसद देश के शिक्षा संस्थानों को दुनिया के शीर्ष संस्थानों के लिस्ट में शामिल करना। आज हम
विश्व स्तर की टॉप 500 में बहुत कम मात्रा में नजर आते हैं। ये स्थिति हमें बदलनी है और इसके लिए सरकार पब्लिक सेक्टर के प्रत्येक इंस्टीट्यूट पर लगभग 1,000 करोड़ रुपया अगले कुछ वर्षों में खर्च करेगी। आप इस बात से भी भली भांति परिचित होंगे कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क यानी ज्ञान GYAN ज्ञान योजना के तहत हम भारतीय संस्थाओं में पढ़ाने में के लिए दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को आमंत्रित कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार शिक्षण संस्थानों में विचारों के खुले प्रवाह की पक्षधर है। हमने IIM जैसे संस्थानों को स्वायत्तता देकर इसकी शुरुआत कर दी है। मैं हैरान हूं, देश में इस बात की चर्चा नहीं हो रही है, विद्वत जन भी पता नहीं चुप बैठे हैं। IIM में जो रिफॉर्म किए गए हैं, शायद हिंदुस्तान में जो रिफॉर्म की बड़ी बड़ी वकालत करने वाले लोग थे, जो पिछले 20-25 साल से लिखते रहे होंगे, शायद उन्होंने भी सोचा नहीं होगा इतनी ताकत के साथ हमने। लेकिन हो जाने के बाद कहीं कुछ अच्छा कहेंगे तो मोदी के खाते में चला जाएगा, तो मुसीबत हो जाए, लिखना बंद कर देते। और इसकी वजह से जो बदलाव आया है, IIM को अपने कोर्स, अपना करिकुलम, टीचर अपॉइंटमेंट, यहां तक कि बोर्ड मेंबर अपॉइंटमेंट एक्सपेंशन खुद उन्हीं को तय करना है। आप कर लीजिए, मैंने यही कहा, मुझे करके दिखाइए, सरकार कहीं नहीं आई, कोई बाबू आके नहीं बैठेगा, अभी उनका जिम्मा है, वो करके दिखाए। भारत में उच्च शिक्षा से जुड़ा ये एक, मैं समझता हूं, एक अभूतपूर्व प्रयोग है और ये फैसला आगे हमें और इंस्टीट्यूट की ओर ले जाना है। हाल ही में UGC ने ग्रेडेड इकोनॉमी रेगुलेशन भी जारी किए हैं, जिससे यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को ऑटोनॉमी दी गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर को सुधारना तो है ही, इससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने में भी मदद मिलेगी। इस रेगुलेशन की वजह से देश में 60 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज को ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिल चुकी है। इसमें से कई राज्यों की यूनिवर्सिटियां भी उसका हिस्सा है। सरकार की तरफ से किए जा रहे इन प्रयासों के बीच आप सभी का भी ये दायित्व बनता है, इस सकारात्मक माहौल का जितना ज्यादा लाभ उठा सकते हैं उठाएं, और उसमें जो अच्छाइयां हैं, जो हमारे उत्तम उत्तम सपने थे, उन सपनों का मेल बिठा करके इस समय को हम गंवाने नहीं जाने न दें, इसको खोने न दें। आप में से ज्यादातर लोगों का टेन्योर 4-5 साल का होता है। इन वर्षों के दौरान कार्य करते हुए आपको भी अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। आपको पहले दिन से ये सोचना होगा कि जब आपका कार्यकाल समाप्त होगा तब आप क्या लीगेसी छोड़कर के जाएंगे। अनेक ऐसे विषय हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो उच्च शिक्षा के स्तर में रिसर्जेंस के लिए बहुत आवश्यक है। और जैसे कि क्या आप शिक्षण की नई पद्धतियों को विकसित करने में सहयोग दे सकते हैं? आज हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम समय के साथ रहते हुए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शिक्षण की व्यवस्था को और मजबूत कैसे कर सकते हैं? टीचर्स की ट्रेनिंग जो हमेशा से एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है, उसे कैसे सुधार सकते हैं? हम इस बात से सहमत होंगे, कोई गरीब से गरीब भी हो,
या अमीर से अमीर भी हो, अगर उसको जीवन की एक इच्छा पूछोगे, किस व्यक्ति बात करता है अलग है, लेकिन गरीब से पूछोगे, ड्राइवर होगा, प्यून होगा, सामान्य जिंदगी गुजारा करने वाला मजदूर व्यक्ति होगा, या अमीर से अमीर होगा, अगर उसे पूछोगे, उसका एक सपना कॉमन होता है, और वो होता है खुद के बच्चों की अच्छी शिक्षा। अमीर से अमीर भी चाहता है कि भाई मेरे बच्चों को सामान्य वाला कोई अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छी स्कूल मिल जाए। गरीब से गरीब भी चाहता है कि मेरे बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। अब ये बिना टीचर संभव नहीं है, हर कोई अच्छा टीचर ढूंढता है, और इसलिए हमारा फोकस इस बात पर भी होना चाहिए कि समाज को उत्तम शिक्षक कैसे मिले। और मिशनरी जीन वाले टीचर चाहिए। हमारी इंस्टीट्यूशन बहुत बढ़िया बढ़िया सीईओ पैदा करते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन जाते हैं, हम बड़ा गर्व करते हैं कि मेरे देश की फलानी इंस्टीट्यूशन से निकला हुआ व्यक्ति उस देश के उस बड़े उद्योग या व्यापार जगत का वो सीईओ बन गया है। मुझे तो खुशी तब होगी जब हम कहेंगे कि मेरे यहां से निकला हुआ टीचर उसने देश को 50 वैज्ञानिक दिए हैं, 50 डॉक्टर दिए हैं, ये बन गया। और मैं मानता हूं आज की बड़ी आवश्यकता है, अगर आप किसी अच्छे साहित्यकार से मिलेंगे, कवि को सुनेंगे, देखेंगे, तो हर हमेशा पाएंगे कि उनके भीतर से जो चीजें निकली है, चिंतन स्वयं का होगा, कलम खुद की होगी, शब्द स्वयं के होंगे, मां सरस्वती के आशीर्वाद होंगे, लेकिन एक बात कॉमन होगी और वो होगी जो कुछ भी निकला होगा वो जीवन के अनुभव से निकला होगा, समाज के प्रति संवेदना से निकला होगा, कुछ सपनों के कारण निकला होगा। सिर्फ ये शब्दों का जोड़ नहीं होता, पूरा भाव विश्व होता है जो इन शब्दों को का गर्भाधान करवाता है, और उस गर्भाधान में से कोई कविता बन करके, कोई साहित्यिक रचना बन करके निकलती है, कोई क्रिएटिव चीज बन करके निकलती होगी, शायद कलम से निकले, पीछे से निकले, कंप्यूटर से निकले, लेकिन उसके मूल में समाज के प्रति वो संवेदना होती है, जिंदगी के अनुभव का एक निचोड़ होता है, तब जाकर के निकलता है। और इसलिए समाज के सुख दुख को समझना, उसे जमीन पर रह करके महसूस करना, यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का अंग कैसे बने, यह समय की मांग है। यह तब होता है जब शिक्षा का विस्तार क्लासरूम के चौखट से बाहर भी हो। अब जैसे पुराने समय में गुरुकुल में विद्यार्थियों को लकड़ी काटने के लिए भेजा जाता था, राजा महाराजाओं के बेटे गुरुकुल में पढ़ते थे, अब उस संस्था के लिए लकड़ी मंगवाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन संस्कार करने के लिए, उस जीवन का अनुभव करने के लिए, राजा का बेटा भी अगर गुरुकुल में पढ़ता है तो उसको लकड़ी काटने के लिए जाना होता था, और इसलिए उसके पीछे मकसद यह होता था कि छात्र बाहर जाए, समाज उसकी चुनौतियों को देखे, समझे। इसी तरह विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का विस्तार क्लासरूम के दायरे से बाहर होना बहुत अनिवार्य है। वो आसपास के किसी मोहल्ले में जाए, अपने आसपास देखे कि कैसे झुकी झोपड़ियों में कुपोषण की समस्या है, कुछ बच्चों को पर्याप्त टीके नहीं लगे हैं, ड्रग्स धीरे धीरे करके गरीब परिवार में भी घुसता चला जा रहा है, क्या कारण है बच्चे स्कूल छोड़कर के ऐसे ही भटक रहे हैं। समाज की इस तस्वीर से उनका परिचय भी बहुत आवश्यक है। आप सोचिए, अगर कॉलेज में पढ़ने वाले युवा अपने आसपास के इलाके में जाकर सिर्फ एक बात का प्रचार करें, एक बात के प्रति जागरूकता फैलाए, सब बच्चों को कहे झुग्गी झोपड़ी में गरीब हो गए, अरे देखो बेटे हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना है, बार बार कहे, आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा बदलाव आएगा, चीज छोटी है,
मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं, बजट लगाओ, मीटिंग करो, रिपोर्ट करो, फॉर्म भरो, वो नहीं कह रहा हूं। मैं जुड़ने की बात कर रहा हूं, जुटने की बात कर रहा हूं। जागरूकता के तरीके इनोवेटिव हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। ऐसे अभियान न सिर्फ विद्यार्थियों का खुद का जीवन सुदृढ़ बनाएंगे बल्कि अनेक गरीब बच्चों के जीवन की रक्षा भी करेंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले बनारस गया था, मेरा लोकसभा का क्षेत्र है, और मेरी वहां मुलाकात काशी विश्वविद्यालय के कुछ नौजवानों के साथ हुई। मैं नहीं जानता हूं उनके वाइस चांसलर कभी उनको मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे मिलने का मौका मिला। इन युवाओं ने 4-5 साल पहले एक संस्था शुरू की, ट्राई टू फाइट के नाम से। शुरू में ये 3-4 लड़के थे और अब तो ये बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, लड़के लड़कियां सब इकट्ठे आए हैं। इन युवाओं ने जो कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं उन पर उनका ध्यान गया और उनका मन कर गया कि इन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, और उन्होंने अपनी शिक्षा के समय में से समय निकाल करके एक कचरा बीनने वाले बच्चों को स्कूल ले जाने की दिशा में मेहनत की, कुछ पढ़ाना शुरू किया, खुद समय देने लगे, मेहनत करने लगे। आज बनारस में ये युवा संस्था 1000 से ज्यादा गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। मैं उन बच्चों को भी मिला, उन नौजवानों से मिला, और परिवार में ऐसे ही है, बच्चे पैदा हुए, माँ अपने काम में है, बाप अपने काम है, बच्चों की दुनिया अलग है, ऐसी गलत आदतों में फंसे हुए थे, उन सबको बाहर निकाल करके आए। एक बच्ची की मैंने देखा, इतना बढ़िया पेंटिंग था, उसकी ताकत थी, भगवान ने उसको गिफ्ट दी थी, उन्होंने जब मुझे उसको गिफ्ट किया उस बच्ची ने, मैं हैरान था। तो मैंने उसको पूछा, बेटा तुम्हारे परिवार में किसी? नहीं नहीं, बोले मैं ऐसे ही करती थी, और ये जब साहब लोग आए तो उन्होंने मेरे लिए फिर कागज लाए, कलम लाए, फिर मैं अब उसी में कर रही हूं। देखिए, उस कॉलेज के छात्र, वे हुड़दंग में भी जा सकते थे, यूनियन बाजी में जा सकते, आंदोलन में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने रास्ता ये चुना और 1000 बच्चों की जिंदगी को बदल दिया। और मैं मानता हूं सिर्फ 1000 लड़कों की जिंदगी नहीं बदली है, उन युवाओं की जिंदगी ज्यादा बदली है जिन्होंने संवेदना को समझा है। समाज के हित में काम करने वाली ऐसी संस्थाओं से जितने ज्यादा युवा जुड़ेंगे, इस तरह के अभिनव प्रयोग करेंगे, उतना ही गरीब वंचित बच्चों को लाभ मिलेगा। इन सब कार्यों में बहुत बजट या आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसे कार्य कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले छोटे बच्चों दोनों को ही प्रेरणा देने का काम करेंगे। उनमें आपस में भी एक कनेक्ट स्थापित होगा। लेकिन हमारे देश का एक दुर्भाग्य भी है, क्षमा करना, कोई बुरा मत माना, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब स्कूल में टीचर कहते थे कि आज कोई सेवा कार्य किया हो तो नोट लिख करके आना, शायद आप लोगों को भी होगा ऐसा, आज कौन सा सेवा कार्य किया आपने, ऐसा लिख कर गया, और 100 में से 90 बच्चे लिखते थे कि आज रास्ते में एक अंधजन मिला, उसको मैंने रास्ता क्रॉस करवाया। आप देख लीजिए, 90 बच्चे ये लिखते थे। यानी एक तो उसको झूठ लिखने की आदत डालते थे, हम झूठा करने की आदत डालते थे, और हम उसको टोकते भी नहीं थे कि छोटा सा गांव है, यहां रास्ता क्रॉस करने की नौबत कहां से आई यार, बस चलती है गाड़ी, पहले से चली आ रही, हमारी भी चल रही है, आज भी चलता होगा शायद। मेरा कहने का तात्पर्य है, ये सारा इनोवेशन न होने का परिणाम है। ये शुरू इसलिए हुआ होगा कि उस बच्चों को समाज सेवा के संस्कार हो, लेकिन बाद में वो एक रिचुअल बन गया, प्राणहीन हो गया, क्योंकि लिखना है, तुम लिख करके लाए हो, पेज भर गया है, टीचर को समय नहीं है पढ़ने के लिए, पूरा पेज लिखा है, फिर अंदर कुछ भी लिखा हो, लिखा तो है।
मैं समझता हूं इसमें बदलाव जरूरी है और मैं मानता हूं कि आप में से बहुत से लोग इन बात से परिचित होंगे कि इस सरकार में आने के बाद मैंने एक और प्रयास किया है। मेरी कोशिश रहती है कि जहां कहीं भी मैं यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में जाता हूं, यहां शायद कुछ बैठे होंगे जिनकी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला, तो मैंने एक नियम बनाया है, मेरी ऑफिस में से चिट्ठी जाती है कि मैं उस कॉन्वोकेशन में आऊंगा लेकिन वहां मेरे स्पेशल गेस्ट होंगे 50, उनके लिए बैठने की आगे की रो में स्पेशल व्यवस्था चाहिए, यह मेरा आग्रह रहता है। और वो 50 कौन होते हैं? उस इलाके के सरकारी स्कूल के झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे मेरे चीफ गेस्ट होते हैं, उनको मैं परिचय करवाता हूं उस पूरे ऑडियंस में कौन होगा। क्यों? मैं उन बच्चों को संस्कार करना चाहता हूं, एंड सीइंग इज बिलीविंग। वो जब बैठता है बच्चा, उसने तो बेचारे अपना झुग्गी झोपड़ी देखी है, स्कूल के जो एनवायरमेंट देखा है, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस में आता है, बैठा है, सब अलग अलग बराबर रॉब वॉब पहन करके बच्चे आते हैं, टोपी वोपी, और जब सर्टिफिकेट लेते हैं उसके अंदर भी एक बीज रोप अंकुरित होने लगता है कि कभी मैं भी। मैं भी कभी इस डायस पर जाऊंगा और मुझे भी कोई इस प्रकार से देगा, ये सपने बोने का काम होता है। चीज छोटी होती है, बदलाव बजट से आते हैं ऐसा नहीं है जी, बदलने के इरादे से आते हैं, जुड़ने के साथ शुरू होते हैं और जूझने से सफलता भी मिलती है, ये संकल्प लेकर के चलते। और इसलिए जब भी मैं शिक्षा जगत के विद्वानों के बीच जाता हूं तो एक बात पर जरूर मैं बल देता हूं और ये वजह है सिटी बेस्ड एक्सेलेंस सेंटर्स। हर संस्थान को यह भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि वह अपने आसपास के एजुकेशन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन इकोसिस्टम को सही रूप से तैयार करे। और इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे विद्यार्थियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वह अपने आसपास के लोगों को डिजिटल लिटरेट बनाने का काम करें, वे अपने आसपास के लोगों का आयुष्मान भारत, उजाला, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं से परिचित कराएं, वो उनके जीवन को आसान बना सकती है। विद्यार्थी अपने लोकैलिटी में जल संरक्षण, पर्यावरण और बिजली बचाने की सीख दे, ऐसे अनेक कार्यों की लिस्ट बनाकर, पूल बनाकर शिक्षा संस्थान एक दूसरे से साझा भी कर सकते हैं। मैं तो ये भी कहता हूं कि इस काम में सिर्फ शिक्षक और छात्र ही नहीं, अभिभावक और अल्युमनाई को भी जोड़ना चाहिए। जब शिक्षा से इस कार्य से हर स्तर पर समाज का जुड़ाव होगा तो हमारे युवाओं का सामर्थ्य और उनके समझ में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। भाइयों और बहनों, देश के युवाओं ने अपनी क्षमता से ब्रांड इंडिया को वैश्विक पहचान दिलाई है। देश के तमाम विश्वविद्यालयों, अलग अलग संस्थानों से, जैसे IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज में पढ़े छात्रों ने विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन किया है, कई तो दुनिया की बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। हम सब इस बात से भी भली भांति परिचित है कि देश के युवाओं के पास विचारों की कमी नहीं है। अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम भी है तो बिलियन सॉल्यूशन भी है, यह विश्वास, ये भी सच है कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां कभी ना कभी स्टार्टअप ही होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं चला रही है। मैं इस बात को लेकर के भी आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, बिग डाटा एनालिसिस जैसे क्षेत्रों में हमारे युवा ये वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं, बनाने हैं हमें। हम सब ये जानते हैं कि हमारा देश
टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स में दुनिया का बहुत बड़ा पूल है। हम स्टार्टअप में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी इकोसिस्टम है। इनोवेटिव इंडेक्स में लगातार प्रगति कर रहे हैं। ये सारी स्थितियां हमारे देश के नौजवानों और शिक्षा संस्थानों दोनों के ही अनुकूल है और इसलिए हम सभी को मिलकर देश के युवाओं में सोशल साइंटिफिक और इनोवेटिव टेंपर इसको विकसित करने की दिशा में हम लोगों ने काम करने की बहुत आवश्यकता है। साथियों, रिसर्जेंस तभी संभव है जब हम सब एक कदम आगे बढ़े। वैसे भी रिसर्जेंस खामियों को खत्म कर आगे बढ़ने का तो प्रयास है ही, लेकिन साथ साथ नए युग के अनुकूल बदलाव लाना ये उसमें निहित होना चाहिए। मेरी कमियां दूर कर उतना चाहिए, मैं बीमार हूं इसलिए बीमारी से मुक्त हो जाऊं इतने से इनफ नहीं है, मुझे तंदुरुस्त भी होना है ये भी मेरा इरादा होना चाहिए। शिक्षा जगत के आप सभी दिग्गज न्यू इंडिया के निर्माण के लिए देश की नींव को और मजबूत करें, देश के नौजवानों में और आत्मविश्वास पैदा करें, इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए आप सबको हृदय से बहुत बधाई देता हूं। आप यहां से जो मंथन करेंगे, जो चिंतन करेंगे, जो चीजें उसमें से उजागर होकर के आएगी, मुझे भरोसा है कि आप वो लोग हैं जो धरती से जुड़े हुए हैं, जो बीती हुई कल से जुड़े हैं, वो लोग हैं जो आने वाले उत्तम कल के सपने संजो करके जिंदगी खपाने वाले लोग हैं। जहां ऐसा समूह होता है वो बहुत कुछ दे सकता है। मुझे विश्वास है कि ये चिंतन, ये मनन, ये प्रयास देश के आने वाले समय के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीजें दे करके जाएगा। इस अपेक्षा के साथ फिर एक बार इस प्रयास के लिए बधाई देते हुए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद।